थिन एंड थिक फिल्म आईसीज, जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, आईसीज होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है। ये जो डिवाइस होते हैं ये लार्ज होते हैं मोनोलाइथिक आईसीज के कंपैरिजन में, लेकिन इनके जो डिस्क्रीट सर्किट होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ये जो आईसीज है वहां यूज होती है जहां पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और जो सारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर, वो इंटीग्रेटेड होते हैं सर्किट में, लेकिन इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर, डायोड्स, जो कि डिस्क्रीट कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी सर्किट में कनेक्टेड होते हैं, और उनको मिला के कंप्लीट सर्किट बनाया जाता है। हमारे पास है एक थिन और एक थिक फिल्म आईसी। जो थिन फिल्म आईसीज होती हैं उनको हम फैब्रिकेट करते हैं, यानी वो उनको जो बनाया जाता है, एक कंडक्टिंग मटेरियल की फिल्म को डिपॉजिट किया जाता है किसी भी सिरेमिक बेस पे या ग्लास पे, और डिफरेंट मटेरियल्स को सिलेक्टिविटी, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रेजिस्टर्स, कंडक्टर्स, उनको उनके ऊपर फैब्रिकेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारी एक तो हो गई थिन फिल्म आईसीज, दूसरी होती है थिक फिल्म आईसीज, इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो फैब्रिकेशन है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि जो थिन फिल्म आईसीज होगी वो थिन होगी, जो थिक फिल्म आईसीज होगी वो थिक होगी, इस चीज पे, इनकी थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है इनकी मैन्युफैक्चरिंग। इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करती है जो उसके ऊपर फिल्म डिपॉजिट की जाती है। वैसे इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फीचर्स, इनकी प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, इनकी जो फिल्म जो उसके ऊपर डिपॉजिट की जाती है उसका डिफरेंस आ जाता है। जो थिक फिल्म आईसी होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसको बनाया जाता है एक सिल्क स्क्रीन होती है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इसे यूज की बनाया जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एक सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्निक को यूज किया जाता है एक सिरामिक सब्सट्रेट के ऊपर, उसमें एक पैटर्न बनाया जाता है सर्किट का। ये जो स्क्रीन होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, यानी फाइन स्टेनलेस स्टील का उसमें यूज किया जाता है, जिसमें वायर मैस होती है और इंक पेस्ट हैविंग जैसे कंडक्टिव, रेजिस्टिव, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जिसमें हम यूज करते हैं। जब इसकी प्रिंटिंग हो जाती है, सबसे पहले इनकी प्रिंटिंग की जाती है, जब इनकी प्रिंटिंग होती है तो उसको हाई टेम्परेचर पे फायर किया जाता है, यानी कि जैसे जैसे फर्नेस में उसको फायर करते हैं, तो उसको हाई टेम्परेचर पे फायर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक फिल्म डिपॉजिट हो जाती है। और जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड एक सेपरेटली ऐड किया जाता है, सेपरेटली ड्राइव किया जाता है सर्किट में। थिन फिल्म को भी, यानी जो फैब्रिकेशन होती है इसकी, वो थिन फिल्म जैसे ही होती है। मैंने कहा ना कि इनकी थिकनेस जो होती है, ये नहीं है कि जो थिन फिल्म आईसी होगी वो आईसी पतली होगी या थिक होगी तो वो मोटी होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसकी इनकी वैसे थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, जो फिल्म इसके ऊपर डिपॉजिट की जाती है उस पर डिपेंड करता है। इनके प्रॉपर्टीज, फीचर्स नियर अबाउट सेम ही होते हैं। इसकी एडवांटेज ये होती है कि जो आईसीज होती हैं इनकी बेटर टॉलरेंस होती है, बेटर आइसोलेशन होती है, और जो बी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में बेटर आइसोलेशन होती है, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर्किट में, और बेटर परफॉर्मेंस होती है मोनोलिथिक आईसीज के कंपैरिजन में। और इसकी ड्रॉबैक ये होती है कि इनका फिजिकल जो साइज होता है वो लार्ज होता है, हाई कॉस्ट होते हैं, इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, और इनकी जो फैब्रिकेशन होती है, एक्टिव कंपोनेंट्स की फैब्रिकेशन होती है वो इनकैपेबल होती है, यानी इनकैपेबिलिटी आती है सर्किट में उनकी फैब्रिकेशन में एक्टिव कंपोनेंट्स की। ये है हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ थिन एंड थिक फिल्म आईसीज। अब हम इसका सर्किट देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारी आईसी है, इस आईसी में, इसमें हमारे ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर फैब्रिकेशन किया जाता है एक
सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है, या डिपॉजिट करते हैं अपने कंपोनेंट्स को। ये हमारा कंडक्टर है, ये सारे हमारे कंडक्टर्स हैं जो कि करंट को पास करवाने का काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कंडक्टर करंट को पास करवाता है। ये हमारा रेजिस्टर है, लगे हुए हैं। देखिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, लेकिन ये बीच का जो सब्सट्रेट है कंडक्टर नहीं है। तो जब ये वर्क करेगा रेजिस्टर, तो इन कंडक्टर्स की हेल्प से करेगा, यानी ये इन कंडक्टर्स की हेल्प से इनमें करंट पास होगा। ये है हमारे ट्रांजिस्टर्स। जो इसमें कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है, उसमें जैसे कि ये हमारी कंडक्टिंग लेड्स हैं, इसमें जो कैपेसिटर का यूज, जिस भी हम कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है कि एक इंसुलेटिंग ऑक्साइड की लेयर को दो कंडक्टिंग फिल्म्स के बीच में रख दिया जाता है। वो जो कंडक्टिंग फिल्म्स होती हैं, वो एज अ प्लेट्स का वर्क करती हैं, और जो ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स होते हैं, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है एक थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के थ्रू। थिन फिल्म टेक्नोलॉजी में इसमें क्या होता है, यूजली टीनी डिस्क्रीट कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है जो कनेक्टेड होते हैं सर्किट में। ये हमारा कैपेसिटर है, जैसे कि हमने बताया है कि एक इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटिंग ऑक्साइड लेयर लगा दी जाती है दो कंडक्टिंग फिल्म्स के बीच में। इस तरह से इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, और हमने ट्रांजिस्टर और डायोड्स का भी बता दिया है कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जो इंडक्टर्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाता है एक स्पायरल फॉर्मेशन फिल्म देते हैं, जिससे इंडक्टर को प्रोड्यूस किया। इस तरह से हम ये जो थिन और थिक फिल्म आईसीस हैं, उन्हें बनाते हैं। थिन और थिक फिल्म की बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, उनकी अपियरेंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उनकी सिमिलैरिटीज होती हैं। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनका जो एसेंशियली डिफरेंस होता है थिन और थिक फिल्म में, वो उनकी थिकनेस से रिलेटेड नहीं होता। वो रिलेटेड होता है उनकी जो मेथड होते हैं, ये जो हमारा जो फिल्म की डिपोजिशन होती है, उनके मेथड्स पे डिपेंड करती है। ये है हमारा थिन एंड थिक फिल्म आईसीज, जो कि क्लासिफिकेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।